हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेसर अनलिमिटेड स्टडी जोन। लाइव क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। और देखिए, ये क्वेश्चन है हमारे पास यूनिट एंड डायमेंशन का। देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट टाइम टी इज गिवन बाय द इक्वेशन एक्स टी इक्वल्स टू वी नॉट अपॉन अल्फा वन माइनस ई की पावर माइनस अल्फा टी। ओके, इसमें हमें क्या कह रहा है कि x जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ओके, x पोजीशन है और t टाइम है। हमें अल्फा पता करना है और v नॉट पता करना है। तो देखिए क्या रूल होता है बेटा। आपको पता है कि मैंने बताया था कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होती, कभी ऐड नहीं होती हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी का होता है। अगर ये कॉन्स्टेंट है तो इसे भी क्या होना पड़ेगा, कांस्टेंट। कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, और ई कांस्टेंट है और ई की पावर में कभी भी कुछ भी होता है वो कांस्टेंट ही होता है। बिकॉज ई जो होता है वो एक्सपोनेंट होता है और एक्सपोनेंट एक नंबर लेता है। तो मतलब अल्फा टी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। देखा जाए तो अल्फा टी डायमेंशनली क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और कांस्टेंट की डायमेंशन एम जीरो एल जीरो टी जीरो। बोलिए यस सर। नाउ अल्फा की डायमेंशन आपको फाइंड करनी है, तो टी की डायमेंशन ये अलग हो जाएगी, अल्फा इंटू टी एम जीरो एल जीरो टी जीरो। सो अल्फा इज इक्वल्स टू एम जीरो एल जीरो टी जीरो डिवाइडेड बाई टी की पावर वन। सो आंसर आ गया एम जीरो एल जीरो टी की पावर माइनस वन। डन। यस सर, डन। ये अल्फा आ चुका है, क्लियर। यस सर। अब चलिए इस बड़े वाले फॉर्मूले में डायमेंशन एनालिसिस लगा दीजिए। तो क्या बनेगा, x की डायमेंशन इज इक्वल टू v0 की डायमेंशन अपॉन अल्फा की डायमेंशन। और ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की कोई डायमेंशन होती नहीं क्योंकि ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। यस और नो? यस सर। क्योंकि 1 है, 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो कांस्टेंट ही होगा, मतलब 1 से कोई कांस्टेंट ही सब्ट्रैक्ट होगा। यस और नो? हां सर। ओके, अब देखिए x यानी कि लेंथ, बिकॉज पोजीशन लेंथ में होती है। v0 के डायमेंशन पता करना है और अल्फा के डायमेंशन अभी निकाल ली हमने m0 l0 t की पावर माइनस वन। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर जान दीजिए तो आंसर आ जाएगा v0 की डायमेंशन होगी m0 m0 l की पावर वन हो जाएगा बिकॉज एक l ऊपर है और t की पावर माइनस वन। बोलिए क्लियर है? अच्छा, यस सर, क्लियर है। सर, बट रो इज अ कांस्टेंट। हाँ, वेयर v0 इज अ कांस्टेंट, तो की भी डायमेंशन होती है ना किसी किसी की। जैसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। हाँ है ना। हाँ, तो कई सारे कांस्टेंट की डायमेंशन होती हैं। अच्छा, यस सर। यस जी सर। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिए। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी इज द प्रेशर ऑफ ए गैस एंड रो इज द डेंसिटी, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ पी एंड रो। तो भैया हमने वेलोसिटी मान लिया, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू पी की पावर ए एंड रो की पावर बी। तो वेलोसिटी इक्वल हो जाएगी के टाइम्स पी की पावर ए रो की पावर बी। अब डायमेंशनली v का डायमेंशन इज इक्वल्स टू k की डायमेंशन कुछ होती नहीं है, कांस्टेंट है। और ये हो गया p की डायमेंशन a और rho की डायमेंशन होल पावर b। v यानी वेलोसिटी l t की पावर माइनस वन। यस सर। p यानी प्रेशर, प्रेशर की कितनी होती है, ये होती है प्रेशर की m l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू। m l की पावर माइनस वन t की पावर माइनस टू की पावर a। एंड रो, रो यानी डेंसिटी, डेंसिटी इक्वल टू होता मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम एम अपॉन एल क्यूब, यानी एम एल की पावर माइनस थ्री की होल पावर बी। सो यहाँ मास नहीं है तो मास की पावर जीरो, लेंथ की पावर वन, टाइम की पावर माइनस वन। और यहाँ मास की पावर ए, लेंथ की पावर माइनस ए, टाइम की पावर माइनस टू ए, मास का पावर बी और लेंथ का पावर माइनस थ्री बी। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर माइनस 1 इक्वल्स टू मास की पावर में, इधर a है इधर पे b है,
सो मास की पावर ए प्लस बी, राइट? यस सर। और लेंथ की पावर में माइनस ए है और यहाँ माइनस थ्री भी है, तो लेंथ की पावर में माइनस ए माइनस थ्री बी, डन? यस सर। ओके, ये भी हो गया। और इसके बाद टी की पावर में ओनली माइनस थ्री बी, और इधर पे टी सॉरी ओनली माइनस टू ए, टी की पावर ओनली माइनस टू ए, क्लियर? यस सर। सो तीन इक्वेशन बनेंगे मास का कंपैरिजन, ए प्लस बी इक्वल टू ज़ीरो इक्वेशन नंबर वन, दूसरा माइनस ए माइनस थ्री बी इक्वल टू वन इक्वेशन नंबर टू, एंड थर्ड है माइनस टू ए इक्वल टू माइनस वन, क्लियर? यस सर, क्लियर। तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो ए इक्वल टू कितना आ गया, वन बाई टू, पहली चीज। ओके, अब बी निकालना है, तो ए प्लस बी इक्वल टू कितना है, जीरो है, सो बी इक्वल टू माइनस ए, सो माइनस वन बाई टू, डन? अच्छा, यस सर। वैल्यू में पुट कर दो मास्टर इक्वेशन में ए में, सो वी इज इक्वल्स टू के पी की पावर ए मतलब वन बाई टू, और रो की पावर बी मतलब माइनस वन बाई टू, सो वी इक्वल टू के पी की पावर वन बाई टू अपॉन रो की पावर वन बाई टू, पावर वन बाई टू का एलिमिनेट कर दूंगा तो आ जाएगा रूट की फॉर्म में, वी इज इक्वल्स टू के अंडर रूट पी अपॉन रो, यस की नो? यस सर। सो फॉर्मूला बन गया v इक्वल टू के अंडर रूट पी बाई रो, यस सर, यस बना? हाँ सर। सो p बाई रो, तो p में वन बाई टू और रो में माइनस वन बाई टू, चेक करो कौन सा है, वन बाई टू वन बाई टू, माइनस वन बाई टू वन बाई टू, वन बाई दोनों गलत है, ए आंसर, ए ऑप्शन इज द करेक्ट, राइट? यस सर। डन ना? डन सर, डन। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 11 डन। ये सारी की सारी डायमेंशन रीड कर ली? हाँ सर, कर ली थी रीड। डन। अब बेटा एक टॉपिक है लिमिटेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है, कि डायमेंशन एनालिसिस कहाँ तक हम लगा सकते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारा डायमेंशन एनालिसिस का कंसेप्ट कहाँ तक लगता है और कहाँ तक ये फिर नहीं लगता है। तो नंबर वन है कि डायमेंशन एनालिसिस से चाहे आप s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के डायमेंशन कैलकुलेट करो, या s इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर, ये कोफिशियंट के बारे में कोई जानकारी आपको नहीं देगा। डायमेंशनली देख लो, ये भी सही है और ये भी सही है। हम कांस्टेंट का कोई मतलब लेते हैं क्या? नो सर। नहीं, मतलब कोफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड, कोफिशिएंट मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड के बारे में ये आपको कोई जानकारी नहीं देगा। डन सर, मतलब ये डायमेंशनली करेक्ट है, मैथमेटिकली नहीं। यस, गुड। फिजिकली नहीं, मैथमेटिकली नहीं, डायमेंशनली करेक्ट है, एग्जैक्टली। सेकेंड पॉइंट, जब आप फॉर्मूला का डिडक्शन करते हो जैसे आपने कल किया था, तो t इज इक्वल टू के अंडर रूट एल बाई जी, आज भी आपने किया है, v इज इक्वल्स टू के अंडर रूट पी बाई रो, ये कांस्टेंट क्या आने वाला है उसके बारे में कोई क्लियर बात नहीं बताता है। ओके, द न्यूमेरिकल कांस्टेंट हैविंग नो डायमेंशन कैन नॉट बी डेड्यूस्ड, कैन नॉट बी Deduced. Yes, बिना डायमेंशन वाले न्यूमेरिकल कांस्टेंट को ये नहीं बताएगा। डन? यस सर। ओके, थर्ड बात ये है कि ये जो मेथड है ये प्रोडक्ट फॉर्म के लिए एप्लीकेबल है, केवल प्रोडक्ट फॉर्म को डेड्यूस करने के लिए। और अगर आपके पास में एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन आ जाती है तो ये उसको डिराइव नहीं कर पाएगा। जैसे मान के चलिए आपके पास कोई इक्वेशन आ गया, p इज इक्वल्स टू या y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव, तो देखो बेटा ये साइन के अंदर बैठा हुआ है, तो ये इसको डेवलप नहीं कर पाएगा। मतलब डायमेंशनल मेथड से आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो। बेटा ये क्या है, ये है वेव इक्वेशन। क्या है ये?
वेव इक्वेशन। हाँ, तो आप इसको डिराइव नहीं कर सकते हो, बिकॉज क्यों? क्योंकि साइन थीटा की टर्म बैठी हुई है, ठीक है? यस सर। हाँ, तो साइन है, कॉस है, ये सब चीज़ें बैठी हुई है, तो इनके चलते आप इसको यूज नहीं कर सकते हो। तो लिखा हुआ है दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द रिलेशन ऑफ द प्रोडक्ट टाइप, इट फेल्स इन द केस ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। फंक्शंस और रिलेशन दोनों सही है, ठीक है? यस सर। प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में तो जानते होंगे, टेरा को मतलब 10 की पावर 12, गीगा का मतलब 10 की पावर 9। सिंपल प्रीफिक्स एंड सफिक्स है, इनको देख लेना, ओके? हाँ सर। हाँ, अब नेक्स्ट थ्योरी आती है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। हेडिंग डालिए कॉपी में, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। यस। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यस सर, ठीक है ना? जैसे कि मैं बोलूँगा कि किसी इंसान का वजन किस में होगा, तो तुम बोलोगे अधिक से अधिक 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो। इंसान का वजन 1000 किलोग्राम हाँ में नहीं हो सकता, बोले यस और नो? हाँ सर। कितना भी मोटा हो वो 1000, 10000 किलोग्राम में नहीं जाएगा, जाएगा यस मतलब सेकेंड डिजिट में ही जाएगा, 2 डिजिट में ही जाएगा, मतलब 100 के डिजिट में जाएगा, बोलो यस और नो? मैक्सिमम हाँ सर। हाँ, तो ऐसे ही जैसे मैं कहूँ कि किसी चीज़ की पावर में एक्सप्रेस करते हो आप, मतलब किसी फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप इस तरीके से लिखो कि वो फिजिकल क्वांटिटी 0.5 × 10 की पावर x से लेके 5 × 10 की पावर x के बीच में लिखी जा सके, ठीक है? अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 0.5 × 10 की पावर x से लेके 5 × 10 की पावर x के बीच में लिखी जा सके बच्चे, तो x जो होती है yes. वो होती है इसकी ऑर्डर। आया समझ में? सर समझ में तो आ गया, एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस फॉर्म में लिखी जा सकती है 0.5 × 10 की पावर x से लेके 5 × 10 की पावर x, हाँ, तो ये होती इसकी ऑर्डर, ओके? अच्छा, यस सर। चलिए हम अब अक्षत के वेट की ऑर्डर निकालते हैं। यस सर। ओके, अक्षत का करंट वेट हाँ, पता है कितना है? मुझे नहीं पता सर, होगा 70-80 करीब। चलिए 78 ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना? यस सर। चलिए 78 को मुझे ऑर्डर की फॉर्म में लिखना है। क्या है? 0.5 से लेके 5, तो मैं क्या करता हूँ 10 का मल्टीप्लाई 10 का डिवाइड, चलेगा कि नहीं चलेगा? हाँ सर। हाँ, तो ये क्या बन जाएगा? 7.8 × 10 की पावर 1 बन गया। हाँ सर बन गया। हाँ, बट देखो ऑर्डर की शुरुआत कहाँ से? 0.5 से लेके 5, यस और नो? यस सर। बट ये तो मेरा 5 से भी बड़ा है और 0.5 से भी बड़ा है कि नहीं है? हाँ सर, मतलब है। इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठ रहा है, तो मैं एक बार और करता हूँ कि 7.8 × 10 की पावर 1, 10 का डिवाइड और 10 का मल्टीप्लाई, बोलो यस और नो? यस सर। नाउ ये क्या बन गया? ये बन चुका है 0.78 × 10 की पावर 2, हाँ या ना? हाँ सर। अब ये जो अपनी फिजिकल क्वांटिटी आई है 0.78 × 10 की पावर 2, ये 0.5 × 10 की पावर x से लेके 5 × 10 की पावर x के फॉर्म में दिख रही कि नहीं दिख रही है? दिख रही है सर। हाँ, और यहाँ पे जो पावर आएगी अगर ये इसके बीच में है, हाँ? तो जो पावर आएगी वही ऑर्डर है, तो अक्षत के वेद की ऑर्डर कितनी आ गई? 2। टू, समझ में आया? अच्छा, यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? आ गया ना समझ में? हाँ सर। यस सर, आ गया। मेन डेफिनेशन ये है, इफ द वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी पी सेटिस्फाइज दैट इट इज लाइड बिटवीन 0.5 × 10 की पावर x से लेके 5 × 10 की पावर x, ओके? यहाँ पे इक्वालिटी लगी, ध्यान रखना, यहाँ पे इक्वालिटी लगी है, ओके? पी इज बिटवीन 0.5 × 10 की पावर x से लेके 5 × 10 की पावर x, ठीक है? यस सर।
तो एक्स क्या कहलाएगा? ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ यस सर मैग्नीट्यूड। ठीक है बेटा, चले आगे। सर इसका यूज कहाँ पे होगा? बहुत यूज है, बताता हूँ कहाँ पे यूज है। द डायमीटर ऑफ द सन एक्सप्रेस डेस 13.9 × 10⁻¹। ये बेटा डायमीटर ऑफ सन है। चलो इसकी ऑर्डर निकालो। यस कौन सा हुआ क्वेश्चन ये वाला? ओके सर। इसके पहले हम लोगों ने कौन सा क्वेश्चन किया था? 11, तो ये यही 12 हो वाला गया। ये वाला 12 हुआ ना? हाँ सर। चलो करो। द डायमीटर ऑफ द सन इज एक्सप्रेस 13.9 × 10⁹ मीटर। यस सर। फाइंड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। सर 10। 10 बिल्कुल सही है, बन गया। 10 यस का डिवाइड सर। कर दोगे तो और 1.39 टेन बन से जाएगा, मल्टीप्लाई ठीक है ना? करेंगे। 10 की पावर में 10 चला जाएगा। यस सर। दैट्स इट, हो गया क्लियर? यस सर। चलिए तो ये हो गया। अब बेटा आपको आगे क्वेश्चन करके लेके आने, क्वेश्चन नंबर 3, 4 जितने भी आगे लिखे हुए हैं ये सब सॉल्व करने आपको, ठीक है ना? ओके सर। तो कल की क्लास में आप ये पूरे के पूरे होमवर्क करके लेके आओगे। डन सर। कल क्लास लगेगी? मैं बता दूंगा, शाम को फ्री हुआ तो लगाऊंगा। ओके ओके सर। तो बता दूंगा, मैसेज पहले कर दूंगा। डन ओके सर। यस चलिए, सर। तो इनको कर करके रखिए। सुबह तो टेस्ट दीजिए आप अच्छे से, जो आपका टेस्ट है स्कूल का, और फिर जी शाम को सर। ये वाले पूरे करके रखिएगा ये। फिर इसके बाद मैं एक और आपको शीट दूंगा जिसमें वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। ओके बाय। जी सर। ओके बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू।